तो यहाँ पर एमसीयू के फैंस ने मिलकर उनकी ही मूवी मॉर्बियस को फ्लॉप कर दिया है। पता नहीं इस मूवी को इतना हेट क्यों मिला, बट मुझे तो ये मूवी पसंद है, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक अच्छा चांस होगा सोनी पिक्चर्स के लिए अपने यूनिवर्स को फिर से खड़ा करना, क्योंकि यहाँ पर फैंस की डिमांड है द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 की, यानी कि हमारे एंड्रयू गारफील्ड की वापसी। तो अगर यहाँ पर अगर उन्होंने मॉर्बियस मूवी में अगर वल्चर को फिर से इंट्रोड्यूस किया है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर उन्होंने जो है टीज कर दिया है कि वो आगे चल के जो है सिनिस्टर 6 का जो प्रोजेक्ट है वो बना रहे हैं। बट किस स्पाइडरमैन के साथ वो पता नहीं, और कौन सी टाइमलाइन के साथ। अभी सोनी के पास एक काफ़ी अच्छा चांस है कि वो जो है एंड्रयू गारफील्ड के द अमेजिंग स्पाइडरमैन को रिटर्न लेके आए और उनका मुकाबला जो है वो सिनिस्टर 6 से करा दिए, क्योंकि सिनिस्टर 6 के काफ़ी सारे जो विलन्स है वो ऑलरेडी उनके टाइमलाइन में अवेलेबल है। और यहाँ पर एक अच्छा चांस है कि वो अपने यूनिवर्स को फिर से डेवलप कर सकते हैं। वैसे मॉर्बियस, वेनम, लेट देयर बी कार्नेज, ये मूवी फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आई। अब आगे देखना ये है कि क्रेवन द हंटर के साथ आगे क्या होता है। बट आप मुझे ये बताइए कि आप जो सिनिस्टर 6 के साथ कौन से स्पाइडरमैन को देखना चाहिए।